आपको यदि डर है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा तो यह 6 गलतियां मत करना। चलो आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अग्निहोत्री महाराष्ट्र में अकोला में और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पहले बोला हूँ कि जमाना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है। बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत पिछड़े जाति का समझे जाते हैं, मतलब पिछड़ा हुआ समझे जाते हैं, तो उसमें फिर रिलेशनशिप में काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं। हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको इग्नोर करेगा या आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर कर रही है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये बातें आप करते नहीं है तो फिर आपको आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इग्नोर नहीं करेगी। वैसे ही आप पति पत्नी के रिश्ते में लागू कर सकते हैं इसमें की कुछ बातें। तो चलो आइए देखते हैं। नंबर एक ये है कि समझो आपका पार्टनर कहीं दूर है, आपके पास नहीं है और आप व्हाट्सएप चालू करते हैं और आपको दिखा कि वो ऑनलाइन है मगर आपके साथ में बातचीत नहीं कर रहा है, तो कभी उसके ऊपर भड़को मत, कभी उसके बारे में शक मत करो। आपको ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन है मगर आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके इसको कुछ जवाब नहीं दे रहा है, आप ज्यादा कोशिश करेंगी उसके लिए तो और ज्यादा ज्यादा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है कि आप बाद में झगड़ा करेंगे कि भाई आप ऑनलाइन थे तभी भी मेरे फोन का जवाब नहीं दिया, या मैंने जो चैटिंग किया था मेरे साथ में चैटिंग में नहीं आया, जो भी कुछ आप थप्पड़ भी मार दोगे झगड़ा भी करोगे तभी उससे होगा क्या, आपका पार्टनर आपसे दूर जाएगा और उल्टा बोलेगा कि आप उसके ऊपर शक कर रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि भाई ऑनलाइन है तो झगड़ा करना, कभी नहीं करना है। नंबर दो यह है कि आपके पार्टनर के सामने आपके दूसरे दोस्त की तारीफ नहीं करना या उसके दोस्त की तारीफ नहीं करना, दूसरे आदमी की तारीफ नहीं करना या दूसरे लड़की की तारीफ नहीं करना। क्या होता है कि जब आप बॉयफ्रेंड के साथ में बैठे हैं और उसके कोई दोस्त की आप तारीफ कर रहे हैं तो उसके मन में शक आता है, उसका मन उड़ जाता है कि भाई इसका क्या चल रहा है, ऐसा क्यों कर रही है। या आप बॉय हो, लड़का हो और आप लड़की के साथ में बैठे हो, गर्लफ्रेंड के साथ में बैठे हो और कोई लड़की की आप तारीफ कर रहे हो तो लड़की के मन में शक आता है, तो किसी की तारीफ नहीं करना। शादीशुदा आदमी जो है तो कभी अपने पत्नी के सामने बाजू वाले की तारीफ नहीं करना कि देखो देखो वो भाभी कितनी अच्छा खाना बनाती है और सब्जी तो उसके हाथ की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मतलब ऐसा कभी तारीफ मत करो, झगड़े का कारण हो जाएगा। तो कभी एक दूसरे के प्रेजेंस में तीसरे आदमी की तारीफ नहीं करना क्योंकि जीलस ही होती रहती है। तीसरा जो है कि कभी आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना कि वो कैसा आदमी था, वो बुरा था, उसके बारे में कुछ गलतियां या उसको दोष देना, उसके बारे में बुरा बुरा बोलना, ऐसा कभी नहीं करना है। क्योंकि यदि आप वो करते हैं तो आपके गर्लफ्रेंड को या मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई समझो कल मेरा इसका कुछ हो गया तो ये भी मेरे बारे में ऐसा बोल सकती है, बोल सकता है। तो कभी भी मत बोलो, जो भी हो गया वो हो गया, उसके कारण में अंदर जाने का नहीं है, जो हुआ वो हुआ। तो हरदम ख्याल रखने का है कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में, या शादीशुदा है तो डिवोर्स हो चुका है और बाद में नई शादी की है तो उसके साथ में अपने पहले वाले हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोलने का है। फिर चार जो है, कभी भी अपने पार्टनर को उसके वर्जिनिटी के बारे में पूछना नहीं है। होता क्या है कि जब आप वर्जिनिटी के बारे में पूछते, वर्जिन है कि नहीं है, या आपके कोई संबंध थे क्या, आप कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे क्या, तो उसमें उसको लगता है कि देखो ये मेरे ऊपर शक कर रही है, शक कर रहा है, और हुआ तभी वो बोलेगा नहीं। अच्छा समझो उसने बोल भी दिया तो भी क्या कर लोगे, उल्टा समझो वो लड़के ने बोल दिया कि हाँ मेरा लड़की के साथ में कोई था अफेयर और मेरे रिलेशनशिप थे, उससे होने वाला क्या है, उल्टा आपके मन में आ जाएगा कि अभी भी इनके संबंध चालू है क्या, और फिर झगड़े का कारण हो जाएगा। तो वो पूछो ही मत, पूछने गए नहीं कि कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में आप थे क्या या है क्या। फिर पांचवा जो है कि कभी भी अपनी कमजोरी बताने का नहीं है। आप जो भी अपनी कमजोरी बताती है तो एक वो कारण बन जाता है आपको वो इग्नोर करने का, क्योंकि बार बार फिर उसको वही दिखता है कि ऐसे कमजोर है। तो कभी भी अपनी कमजोरी खुद होकर बताने का कोई कारण नहीं, अपने वीकनेसेस जो है कभी बताने का नहीं है, क्योंकि आप वीकनेस बताते हो तो उसका गलत फायदा फिर कोई उठा सकता है। आपने कभी कुछ बोल दिया कि मेरा वीकनेस है कि आप मेरा फोन लेते नहीं हो, और जब रिंग बजती है तो कभी कभी आप फोन लेते नहीं है, जब मैं फोन करती हूँ या करता हूँ तो आपका फोन एंगेज आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, या मैं अपसेट हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, इसका मतलब ये आपका वीकनेस हो गया। तो वो वीकनेस का वो फायदा उठा के आपके साथ में खिलवाड़ कर सकता है, जानबूझ कर सकता है कुछ चीजें, तो वो कभी नहीं करना। छठवां पॉइंट जो है, कभी भी ये नहीं बोलना कि समझो आपका एक्स बॉयफ्रेंड है या एक्स गर्लफ्रेंड है उसके बारे में कि उसने मुझे ठोकर मार दिया, उसने मुझे ऐसा किया। तो होता क्या है कि आप उसको दोष दे रही है और अपनी कमजोरी बता रही है या बता रहा है। तो जो पहले बॉयफ्रेंड ने आपके साथ में किया या गर्लफ्रेंड ने जो भी किया होगा उसके बारे में कभी भी अपने पार्टनर को बताने का नहीं है, उसके बारे में चर्चा ही करनी नहीं है। तो ये यदि बातें आप करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कभी मौका आएगा नहीं या नौबत नहीं आएंगी कि अभी करंट रिलेशनशिप आपकी जो चल रही है, जो करंट पार्टनरशिप चल रही है, उसमें कुछ भी नहीं आएगा बीच में। अदरवाइज ये जो कारण होते हैं इसमें कुछ ना कुछ झगड़े हो सकते हैं,
और झगड़ों का कारण आपने कुछ तो भी ऐसा किया कम्युनिकेशन में जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, और फिर ये रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है क्योंकि उसमें आपको लगेगा कि ये मुझे इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रहा है। तो ये यदि बातें आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको लाइक करेगा, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी और एक अच्छा जीवन आप जी सकेंगे, जीवन का आनंद ले सकेंगे। वीडियो आप अच्छा लगा तो जरूर सभी आपके दोस्त लोगों को शेयर करो ये चैनल को, ऐसी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।